इधर बाढ़ प्रभावित ज्यादा इलाकों में पानी उतरने लगा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। बाढ़ से मध्य प्रदेश के कई जिले प्रभावित हैं। श्योपुर में कायमपुर गांव बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। इस गांव के लोग पिछले 5 दिन से दूसरे इलाके से कटे हुए हैं। पीने के पानी की यहां बड़ी समस्या हो गई है। हालांकि गांव में प्रशासन का अमला पहुंचा और राहत और दवाइयां लोगों के बीच बांटी गई। यहां पर पानी अधिक भरने के कारण यहां कायमपुर के लगभग हमारे 50 घर करीब ऐसे हैं, जहां पर की जो बिल्कुल कटाफ हो गए हैं, उनके लिए हम लोग राशन खाना दवाई डॉक्टर सब लोगों को लेकर वहां पर जा रहे हैं और उनकी पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जिससे उन्हें कोई किसी प्रकार की परेशानी न आए। वहीं श्योपुर में भी बाढ़ के हालात हैं। हालांकि चंबल नदी का जल स्तर घट रहा है, बाढ़ का पानी भी उतर रहा है। प्रशासन राहत और बचाव के काम में भी जुटा हुआ है। मुरैना में बाढ़ से हालात खराब हैं। यहां अमूलीपुरा और जुगरू आपुरा गांव का संपर्क टूट चुका है। इन गांव के लोगों को बोट के सहारे निकाला जा रहा है। यहां के लोगों ने घर की छत पर शरण ली हुई थी। उधर खरगोन के बड़वाह में मोरटक्का पुल के एक पिलर में दरार आ गई है। ये पुल नर्मदा नदी पर बना हुआ है। NHAI के इंजीनियर्स ने पुल का निरीक्षण किया है। बाढ़ का पानी जरूर उतर रहा है, लेकिन बारिश होने पर एक बार फिर से हालात मुश्किल हो सकते हैं। और खबर डिंडौरी से है, जहां पर देवरगढ़ बांध से रिसाव होने लगा है। बांध से जगह जगह रिसाव हो रहा है। मुख्य नहर और गेट की स्थिति पहले से ही खराब है। इस इलाके में रहने वाले लोग बांध के फूटने की आशंका जता रहे हैं और दहशत में हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से इस मामले में जब बात की गई तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। बता दें कि देवरगढ़ बांध का निर्माण 12 साल पहले 2009-10 में हुआ था और समय समय पर बांध की मरम्मत के नाम पर जल संसाधन विभाग के अफसर लाखों रुपए खर्च भी कर देते हैं। बावजूद इसके बांध की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बांध हमारा सुरक्षित है, जंगल में अतिवृष्टि हुई थी है ना, तो हमारा जो टैंक है FRL तक आ गया था और वेस्ट वेयर चालू है अभी हमारी है ना। जगह जगह से लीकेज हो रहा था, लीकेज नहीं है, वो बोल्डर टो से पानी निकलता है फिल्टर से आकर, वो पानी है उसमें। सर यदि वो बांध फूटता तो कितना नुकसान होगा? फूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, फूटेगा अभी आपका सुरक्षित है। आप ये कह रहे हैं कि मतलब पानी नहीं, लीकेज नहीं हो रहा? नहीं है, हमारे पास वीडियो है सर, पानी निकलता है। वीडियो नहीं है, वो FRL के ऊपर जब पानी जाता है तो हल्का पानी निकलता है। बाल से बकायदा पानी सीपेज हो रहा है सर? बाल से भी नहीं, मेरा SGO ने कल रिपोर्ट करी है।